आज का हमारा टॉपिक है एसी एंड डीसी। तो पहले हम बात करते हैं एसी की। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मीनिंग होता है डायरेक्ट करंट। एसी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट का मतलब होता है जो वैरी करता है, वैरी विद टाइम, यानी अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ वैरी करता है। डायरेक्ट करंट डू नॉट वेरी विद टाइम, जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता। तो इसमें ये डीसी है आपका और ये आपका एसी है, ठीक है। तो हम डिफरेंस कर लेंगे। तो इसका मीनिंग अल्टरनेटिंग करंट, इसका मीनिंग डायरेक्ट करंट, इसका वेरी विद टाइम। अगर इसका ग्राफ बनाए तो किस तरह से ग्राफ बनाए, तो इसमें करंट जो है विद टाइम के साथ आप ग्राफ बनाओगे। तो करंट विद टाइम से ग्राफ बनाएंगे तो ये कंटिन्यूअसली वैरी करता जाएगा टाइम के साथ साथ। एक बार करंट मैक्सिमम हो गया, फिर यहां आके करंट जीरो हो जाएगा, इधर आके करंट मिनिमम हो जाएगा। यानी एक बार पॉजिटिव जा रहा है, फिर एक बार नेगेटिव, यानी कुल मिलाकर ये डायरेक्शन रिवर्स हो गई। इसका मतलब डीसी करंट में इस तरह से करंट होगा। ये आपके पास डीसी करंट है, आई विद टाइम, ये डू नॉट वैरी विद टाइम, नीचे नहीं जा रहा। करंट मैक्सिमम है तो मैक्सिमम रहेगा, डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती है इसमें, जबकि इसमें डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स। फिर हमारे घरों में जो एसी वोल्टेज आती है, एसी वोल्टेज जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो 220 वोल्ट आता है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ये घरों में आता है, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि ये अब रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा, इसलिए डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो जीरो हर्ट्ज होती है डीसी। एसी का जो सोर्स होता है, एसी और डीसी में आप डिफरेंस कर रहे हैं, एसी का सोर्स होता है हाउस होल्ड सप्लाई, डीसी का जो सोर्स होता है वो होता है सेल और बैटरी। तो सेल या बैटरी, ये डीसी का आपके पास सोर्स होता है। एसी, एसी को हम यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन। लॉन्ग ट्रांसमिशन में जैसे मान लो एक ट्रांसफार्मर से आपको इलेक्ट्रिसिटी दूसरे ट्रांसफार्मर तक पहुंचानी है तो एसी भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, बिकॉज इट हैज मिनिमम पावर लॉस, क्योंकि उसमें पावर लॉस मिनिमम होता है। इसमें अगर करेंगे तो इट इज नॉट यूज फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन बिकॉज इट हैज मैक्सिमम पावर लॉस, इट हैज मैक्सिमम पावर लॉस, क्योंकि इसमें पावर लॉस आपके पास मैक्सिमम रहता है। मैक्सिमम का मतलब है मान लो एक ट्रांसफार्मर से आपने 1100 वोल्ट भेजे, तो ये तो हो सकता है 1000 या 1050 पहुंच जाएगी, ये पहुंचेगी आगे 800 900, मतलब बीच में वोल्टेज गायब हो जाएगी एक तरह से। तो इसलिए डीसी को नहीं भेजते हम, एसी को लॉन्ग ट्रांसमिशन में भेजते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंस रहता है एसी में और डीसी में। क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, व्हाई एसी इज यूज्ड फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन, आप कहोगे बिकॉज इट हैज मिनिमम पावर लॉस, पावर लॉस सबसे कम रहता है इसलिए ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट टाइम हमने क्या करा, एक डीसी मोटर, आज हम करेंगे एक पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर आप करोगे तो
इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? आपके घर में लाइट चली गई तो लाइट लाने के लिए आप जनरेटर चलाते हो, यानी जनरेटर का काम क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, एक शाफ्ट होता है, हैंडल सा होता है जिसको आप लगाते हो शाफ्ट के ऊपर, उसको घुमाते हो, यानी आपने जब घुमाया तो वो है मैकेनिकल एनर्जी, जो जनरेटर आपको देगा वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करता है। ये मोटर का उल्टा है, मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करती है, ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। प्रिंसिपल, कल हमने एक किया था टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें करंट इंड्यूस होता है, तो ये उसी पे बेस्ड है। तो इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं EMI। फिर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कोयल लेते हैं, या आपने रेक्टेंगुलर कोयल ले ली ABC, ठीक है जी। अब उसमें लगाते थे हाफ स्लिप रिंग, यहां आप लगाओगे फुल स्लिप रिंग, इस तरह से ये फुल लगा दिया आपने आर, ये भी फुल लेनी है आर। जब फुल स्लिप रिंग्स लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है AC, अगर ये हाफ ले ले तो बन जाता है DC। तो ये जनरेटर अब AC करंट है, ठीक है। ये फुल स्लिप रिंग्स है, इसको नाम दे सकते हैं फुल स्लिप रिंग्स। यहां एक ब्रश लगा दिए B1 और यहां एक ब्रश लगा दो B1। ये ग्रेफाइट के ब्रश, ग्रेफाइट में लगाते हैं बिकॉज इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये एक कोयल, इसको हम यहां से घुमाते हैं शाफ्ट से, ये इसका शाफ्ट है। इसको आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ और ये आपके पास साउथ, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब इस पर क्या हो रहा है, ये कॉइल को हम घुमाते हैं, तो आप ये कह सकते हो मूविंग कॉइल प्लेस्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। इस पर प्रिंसिपल में ये भी लिख सकते हैं मूविंग कॉइल placed into magnetic field, magnetic field, moving coil को magnetic field में, then it produce electricity, तो वो electricity produce करती है। अब आपको मैं बता दूं कैसे करेंगे, जैसे ही coil घूमेगी, मान लो ये magnet के पहले parallel पड़ी है इस तरह से, अब जैसे ये घूमेगी कॉइल, ये कॉइल घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी इस तरह से चलेगी, ऐसे चलेगी, ये आपके पास नॉर्थ टू साउथ आपने मैग्नेटिक फील्ड ली डी, ठीक है। अब कॉइल जो है, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सामने है, अब कॉइल जब घूमेगी, जितनी बार ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब तक वो पैरेलल रहेगी उसके, तब तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, जब परपेंडिकुलर हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, मैक्सिमम।
तो कहता है मैक्सिमम करंट कब आएगा, तो जब ये इसके परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो जितनी ज्यादा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगी तब करंट मैक्सिमम होगा। तो ये इसमें कंस्ट्रक्शन है। अब करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस चीज को पता कैसे लगेगा, इस चीज का कैसे पता लगेगा कि करंट आ रहा है कि नहीं। आप क्या करो इसमें इनको कनेक्ट कर दो एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्मॉल से स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है। गैल्वेनोमीटर ये इसका पॉइंटर है जिसको आप जो डिफ्लेक्ट करें। अगर ये राइट में जाता है या एक बार लेफ्ट में जाता है, तो राइट में जाता है आप करंट पॉजिटिव मान सकते हो, तो लेफ्ट में जाता है करंट नेगेटिव हो, यानी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, पता चल जाएगा। और स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी वर्किंग, वर्किंग में फर्स्ट हाफ साइकिल होगा। फर्स्ट हाफ साइकिल को आपने कॉइल को ऐसे घुमाया, तो ये आपके पास इस तरह से घुमाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसे रोटेट द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने रोटेट किया, तो क्या हुआ ए बी एंड ऊपर गया और सी बी नीचे, तो ए बी मूव्स अपवर्ड एंड सी डी मूव्स डाउन, तो ए बी ऊपर गया सी डी नीचे, ठीक है जी। फिर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं या फ्लेमिंग राइट हैंड, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी होता है फ्लेमिंग राइट हैंड। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, यह आपका राइट हैंड कहता है एडजस्ट योर राइट हैंड इन सच ए वे दैट योर थंब फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Thumb gives the direction of magnetic field. Forefinger gives the direction of magnetic field and thumb gives the direction of force. Forefinger magnetic field देगा, thumb force देगा. Current निकालेंगे इसमें, जबकि left hand में force निकालते हैं. तो force निकालने के लिए Fleming left hand pull होता है और current निकालने के लिए right hand pull. इसमें current और magnetic, इसमें current निकालेंगे force और magnetic field given. इसमें फोर्स निकालते थे करंट और मैग्नेटिक फील्ड गिवन होता है। लगेगा वैसे जैसे आपने लेफ्ट में लगाया, बस जब इसमें दिखाएंगे तो हमने क्या किया था, मान लो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड का करंट अपवर्ड होता था तो ये एंड नीचे जाता है, इसमें रिवर्स होगा, जो एंड ऊपर होगा तो करंट की डायरेक्शन भी सेम होगी। ये अगर ए बी ऊपर है तो करंट ए बी नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। आप ये कहोगे करंट की डायरेक्शन में फर्स्ट हाफ साइकिल में तो एबी मूव्स अपवर्ड सीडी मूव्स डाउनवर्ड और बी आया नॉर्थ टू साउथ, करंट एबी सीडी ही चल, ए से बी, बी से सी, सी से। नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेक्स्ट हाफ में क्या होगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल ये रिवर्स हो जाएगा, सीडी इधर आ जाएगा, तो अब क्या होगा सीडी मूव्स अपवर्ड, अब सीडी इधर आ गया तो सीडी मूव्स अपवर्ड ए बी डाउन हो जाएगा, बी तो सेम रहता है नॉर्थ टू साउथ ही रहेगा बी, करंट जो पहले ए बी सी डी था तो यहां हो जाएगा आपके पास डी सी बी, ठीक है, यानी ये एंड यहां आ जाएगा, तो करंट पहले था ए बी सी डी, अब हो जाएगा यहां डी, यहां आ जाएगा तो डी सी बी ई, यानी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों हाफ साइकिल को मिला करके इस तरह से आपके पास एक ग्राफ बनेगा, एक बार करंट पॉजिटिव तो एक बार नेगेटिव, एक बार ए बी सी डी था तो एक बार डी सी बी आ, तो ये करंट होता आपके पास अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट।
तो ये जनरेटर से आपने क्या किया, एसी करंट प्रोड्यूस किया।